नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। आखिरकार दोस्तों देखिए, चकबंदी लेखपाल भर्ती प्रक्रिया रद्दीकरण को लेकर आयोग ने अपनी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जारी कर दी है। और सबसे बड़ा ये सवाल है कि अब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और अब तो और 3 महीने तक मान लीजिए कोई भी नई भर्ती नहीं आएगी। जो पुरानी भर्तियाँ थी वो प्रक्रिया में रहेंगी, लेकिन अब कोई भी नया विज्ञापन नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा नुकसान आप छात्रों का ही हुआ। आयोग की गलती के कारण आप छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो चलिए मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने, देखिए यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है 10 मार्च आज की डेट में। देखिए कार्यालय गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या दिया इतने द्वारा चकबंदी लेखपाल समान चयन प्रयुक्ति परीक्षा 2019 के जो विज्ञापित 1364 पदों पर चयन है, तो दिनांक देखिए 6 तारीख से आपका ऑनलाइन आवेदन हुआ था और उसके साथ ही जो लास्ट आपकी अंतिम तारीख थी 5 अप्रैल थी। उक्त आयोग का उक्त विज्ञापन अपर मुख्य सचिव राजस्व अनुभाग 8 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या इतने के तहत ये आपका क्या निर्णय तथा चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 9 मार्च 2019 का अनुरोध, तो उक्त विज्ञापन से संबंधित चकबंदी लेखपाल की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोकी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि छात्रों के लिए फ्यूचर के लिए काफ़ी नुकसानदायक बात है, क्योंकि अब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। और आप जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में देख लिया होगा कि 11 अप्रैल से आपका वोटिंग होगी और 19 मई तक चलेगी। कुल 7 चरणों में चुनाव होगा और फाइनल काउंटिंग 23 मई की होगी। तो फिलहाल मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने तक कोई भी भर्ती नहीं आएगी। ये भर्ती अगर सही तरीके से OBC ST का अगर ये आकलन कर दिया जाता है कितना इनका प्रतिनिधित्व होगा भर्तियों में, अगर राय मशवरा ये पहले ले लेते सरकार से बिना, मेरे ख्याल से लगता है कि सरकार को और चकबंदी आयुक्त को भी ये नहीं पता होगा कि कितनी क्या भर्तियाँ हैं, आनन फानन उन्होंने भर्तियाँ निकाली हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आयोग की गलतियों के कारण सरकार ने भी संज्ञान में लिया और सही आपका कह सकते हैं प्रतिनिधित्व OBC ST का ना होने के कारण इस भर्ती को रद्द किया गया, जैसा कि सोशल मीडिया में भी काफ़ी ये वायरल हो रही थी और बात शासन तक गई। तो फिलहाल जो कुछ भी हो दोस्तों, अब जो भर्तियां हैं नई भर्तियां तो अब 3 महीने तक तो कुछ नहीं आने वाली हैं, लेकिन आप लोग की जो मंडी परिषद की भर्ती है और वीडियो का देखिए रिजल्ट ये कब निकालते हैं, तो काफ़ी लेट प्रोसेस हो रहा है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप भी अपने अवेलेबल कमेंट करिएगा कि क्या कैसे अब है, क्योंकि अब देखिए 3 महीने तक तो कोई कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 23 मई को आपको काउंटिंग होगी, उसके बाद फिर जो चीज़ होगा आचार संहिता लग चुकी है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में एक यही छोटी जानकारी थी कि अब आप अपनी जो भी परीक्षाएं आपने फॉर्म फिलअप किया वो परीक्षाएं तो होंगी, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वो परीक्षाएं होंगी, लेकिन नई भर्तियों के लिए अब आपको वेट करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल मेरे ख्याल से एक साथ आएंगी और करीब 5,500 से 6,000 जो पोस्ट थी वो आएगी। तो फिलहाल अब समय लगेगा, 3 से 4 महीने का समय है इसमें। तो फिलहाल जो अन्य आपकी जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी करते रहिए और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, देखने बहुत बहुत धन्यवाद।